जो क्लास कंफ्यूज है मैं तुम्हें विद प्रूफ विद स्किन ऑपरेशंस दे नाल दिखावांगा। सब तो पहला था उस स्किन ऑपरेशन तो पहला मैं आज संगत को अपील भी करना चाहूंगा क्योंकि इलेक्शन का समय है और संगत को इस गल की जानकारी देना चाहूंगा कि असी सोशल मीडिया से या होर न्यूज चैनल से असी दमगजे किस तरह के मारते हाँ, दावे किस तरह के करते हाँ और असल में उसकी असलियत की है। और उस तो बाद मैं संगत को यह भी सवाल जरूर करना चाहूंगा कि सानू आज उस तो बाद चाहिए की है, साड़ी सोच की है, साड़ी आने वाली पनीरी की मिलना चाहिए और की मिल रहा है। असी गुरु घर की मर्यादावां नूं पंथ नूं चढ़दी कला वल लिजाणा है या गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करन वालियां नूं अगे लैके आना है या बरगाड़ी वर्गे कांड कराने हन या पंजाब दे विच जिस तरह नशे दे विच पंजाब पूरा फसिया होया है असी वो काम करना है। जे मैं गल करा दिल्ली की, असी गुरु घर के वजीरां कोलों रोज सिर्फ सवेरे डोनेशन मांग के दूसरी कोई गल नहीं करनी। अज वो गुरु घर जिथे गुरु नानक नाम ले रहा पिछले 550 साल तो अपने दसवंत के नाल लंगर के नाल होर कई तरह के काम जिन्हें भी उपराले हुए हैं चलाता रहा है, अज उस पंथ को उस मोड़ के उत्ते लिया के खड़ा कर देना कि जिथे सिवाय डोनेशन रोज सवेरे सिवाय डोनेशन संगतों को मंगने के अलावा होर कोई काम ही नहीं है। और सिख पंथ की मर्यादावां इतना कान लगा देना कि किसी समय जो बादशाह भी जगीरा ऑफर करते सन गुरु साहबान तो उन्होंने मना कर दिया कि लंगर या गुरु घर के जोड़े काम है वो संगत के दसवंत न चलेंगे, किसी के इस तरह दिते हुए दान नहीं चलेंगे। उस तो बजाय सेहत लैन दे कंपनियां हायर कर लेनिया 8% के उत्ते और उन्होंने डोनेशन इकट्ठे करने की अपील करनी देशों विदेशों तो, और उस तो बाद दमगजे मारने की फलानी मतलब जगह तो सानू यह आया तो दूसरी जगह तो यह आया। तीसरी गल मैं करा DSMC के एम्पलाई अज एम्पलाई भी सोच रहे होंगे हमने आज इन्होंने एक मीटिंग सदी है 3 बजे जबरदस्ती सारे एम्पलाईज बसा भर के लिया के और एक अपना दिखाना चाह रहे कि गुरु घर गुरुद्वारा कमेटी के सारे एम्पलाईज ने सानू समर्थन दे दिता है और मैंने धमकिया दीतिया गई कि जेकर तुम नहीं आए तो नाम नोट किए जाएंगे एक्शन लिते जाएंगे। मैं उन्होंने गलत नहीं जाना अज वो एम्पलाई जिन्होंने प्रोविडेंट फंड तक अब अप टू डेट जमा नहीं हुए जो थोड़े बहुत जमा भी हुए तो 10 बार मैं रौला पाया थाने कंप्लेट्स की कोर्ट भी जाने की धमकी दी तब तो कुछ हद तक प्रोविडेंट फंड जमा हुए अभी भी जो कुछ बकाया चल रहे हैं डैथ हो गई एम्पलाईज से उन्होंने पैसे नहीं मिले 10 बार वीडियो पाई सोशल मीडिया से किया प्रेस कॉन्फ्रेंस की अब उन्होंने जाकर उस जॉब बनेगी कुछ उन्होंने पैसे मिल गए कुछ बाकी ने रिटायरमेंट के केस भी इसके बन्ने हुए हैं। पिछले 8 साल एम्पलाईज ड्रेस तक नहीं मिली और चंद वो चमचे एम्पलाई जो सिर्फ और सिर्फ इन्होंने 2 नंबर के कारनामे 2 नंबर के कामों के इन्होंने भागीदार बनते हैं उन्होंने प्रमोशन या उन्होंने होर कई तरह के बेनीफिट्स दे देने उन्होंने भी तो इन्होंने समझ लिया कि सानू मैं हर गल सिर्फ इस करके ब्रीफ करना चाह रहा कि असल साड़ी सोच ही और सानू चाहिए की है। उस तो बाद जो गल स्कूलों कॉलेजों की करिए जिस तरह ना 4-4 इंस्टीट्यूशन बंद हो गए गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बंद हो गया IT बंद हो गया हरगोबिंद इनकलेव बंद हो गया स्कूलों के जो हालात रहे फाइव उन्होंने सैलरी तक धरने मारने पे उस तो बाद हड़ताल करनिया पा प्रोविडेंट फंड जो करोड़ों रुपए च बनता है वह रोक के 3 महीने उन्होंने 100% सैलरी दे के फिर एक धोखा देने की कोशिश की गई मतलब उन्होंने ही पैसे जो प्रोविडेंट फंड सरकार जमा नहीं कराए डिपार्टमेंट जमा नहीं कराए प्रोविडेंट फंड उस पैसे को चुके सैलरिया 100% भुगतान दे देना चूंकि इलेक्शन है सिर्फ 2-3 महीने कोई रोड मैप ना होना असं जा कि पास रहे सभी सिर्फ सोचने की लड़ है साढ़े स्कूलों का स्टैंडर्ड जो गिरता जा रहा है उसके बारे सोचने की लड़ है कि असी अपनी नवी पनीर अज की हिसाब के नाल जी नवी जो सोच है उसके अनुसार उन्होंने जो नवी टेक्नोलॉजी है उस हिसाब से उन्होंने पढ़ाई देनी है विद्या के खेत्र अगर ले जाना है या चलते IAS IPS इंस्टीट्यूशन जो अभी शुरू किए सन उन्होंने बंद करके सिर्फ दमगजे मारने हैं। उस तो बाद असल गल जिन्हें तो मैं कि अज जो मैं स्टिंग ऑपरेशन दिखाने लगा हाँ कि जो असं पूरे संसार भर के रौला पाया जी संगत जी दुनिया का सब तो वड्डा डायलिसिस सेंटर 100 बेड का
550 बेड का जो हस्पताल बनना सी उन्होंने सिर्फ एक छोटा जा डायलिसिस सेंटर बना के रख दिया। 100 बेड तो किस तरह 30 बेड तक आया पुरानी मशीनों पर, किस तरह उसे डायलिसिस होए, किस तरह उसे डेथ भी हुई, किस तरह उसे एमरजेंसी तक नहीं है, एम्बुलेंस तक नहीं है, और कई तरह की कोई फैसिलिटियां नहीं है, ब्लड बैंक नहीं है। तो आज उस तो बाद दूसरी गल करनी कि भाई असं उ 100 बेड का कोविड हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं, किसी तरह की कोई परमिशन ना लैनी, किसी तरह का होर कोई उसे ब्लड बैंक ना होना, और जी फैसिलिटियां होनी वो ना होनी। मैं दिखाना यह चाहवागा सब तो पहला कि जोड़ा डायलिसिस सेंटर चल रहा है 100 बैड का रोला पा के 30 बैड का बनाया, वो 30 बैड का भी अच्छ बंद हो गया। तो अच्छ सबू समझ लेना चाहिए है कि आने वाला 100 बैड का जरा संगत को दिखाने वास्ते इलेक्शन स्टंट, जरा अभी 100 बैड का रोला पा रहे कि अभी हॉस्पिटल बना रहे हैं दुनिया का सब तो वाला बिल्कुल फ्री कई तरह की फैसिलिटियां थले कुछ नहीं है। डायलिसिस सेंटर एक छोटा जा पार्ट होता है किसी भी हॉस्पिटल का, छोटा जा पार्ट, बाकी हॉस्पिटल बहुत वड्डा होता, कई तरह की फैसिलिटीज होती हैं, कई तरह की सर्जरी होती है, कई तरह के और कई काम होते हैं। अगर असी 100 बैड का डायलिसिस सेंटर कह के 30 बैड तो शुरू करने हैं और 30 बैड भी अज बंद हो जाता है तो फिर आने वाले 100 बैड के जो दमगजे मार रहे हॉस्पिटल के उसके की हालात होंगे। तुम इस वीडियो को चैक कर लो कि सारा डायलिसिस सेंटर किस स्टेज के उत्ते खड़ा है। स्टार्ट कीजिए डायलिसिस सेंटर वाला वर्कर बैठे ने, जो एम्प्लाइज बैठे ने, उन्होंने जबानी सुनना की हो रहा है। Yes,
महीने का 600, चार महीने में 2400, चार छुट्टी, एक महीने में 80, चार महीने में 320, 2400 माइनस 380, बाकी बचे 2100, 2080, 2080 हमारे आयकर हुए, उसमें से 50 रुपए वाले तो ढूंढने पड़ेंगे, 1400-2500 वाले तो भरे पड़े हैं, 50 रुपए वाले तो ढूंढने पड़ेंगे कि कितने हुए, बाकी 1400-2500 को मैंने आपके सामने दिखा दिया। यह है दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी का सबसे सस्ता ऑल ओवर वर्ल्ड का शोर मचाने वाला 50 रुपए का हमारे। मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के प्रबंधकों से कि गुरु घर की स्टेजों पे, गुरु घर के नाम पे संगत को गुमराह करके, गुरु घर की गोलक को दुर्वर्तो करके कर क्या रहे हो।